आपके मांसपेशियों, हृदय, फेफड़े और मस्तिष्क के कुशल कार्य के लिए विटामिन डी महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। यह विटामिन शरीर में खनिजों को अवशोषित करने में मदद करता है। खाद्य पदार्थों या सप्लीमेंट्स के जरिए विटामिन डी लेने से स्वास्थ्य को फायदा होता है। ऐसे में कई लोग ज़्यादा मात्रा में विटामिन डी का सेवन करने लगते हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि विटामिन डी का अधिक सेवन हानिकारक भी हो सकता है। विटामिन डी की अत्यधिक मात्रा हाइपर कैलेसीमिया का कारण भी बन सकती है। दरअसल इस स्थिति में खून में कैल्शियम का स्तर सामान्य से ऊपर हो जाता है। विटामिन डी का उच्च स्तर कैल्शियम की वृद्धि की ओर जाता है, जिसे आपका शरीर अवशोषित करता है, और यह कई जटिलताओं का कारण भी बन सकता है, जैसे कि भूख का ना लगना। अब मैं आपको बताता हूँ दिल की धड़कन के बारे में। दिल की धड़कन का अनियमित होना, विटामिन डी के अत्यधिक सेवन से हाइपर कैलेसीमिया होता है और यह हृदय की कोशिकाओं के उचित कामकाज को बदल सकता है। इससे दिल की धड़कन अनियमित बढ़ जाती है। कैल्शियम का उच्च स्तर हृदय की धमनियों में कैल्शियम के जमाव का कारण भी बनता है, जिससे दिल के दौरे का खतरा बढ़ सकता है। इसके लक्षण सीने में दर्द, थकावट और चक्कर जैसे होते हैं। अब मैं आपको बता दूं किडनी को लेकर, यानी कि किडनी भी हो सकती है प्रभावित। विटामिन डी की उच्च मात्रा होने से, यानी कि अधिक मात्रा, यानी कि ज़्यादा मात्रा होने से, यानी कि आपके शरीर में अगर विटामिन डी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इससे किडनी खराब हो सकती है। विटामिन डी की अधिक मात्रा शरीर में कैल्शियम का स्तर बढ़ा देती है। ज़्यादा विटामिन डी लेने से आपके शरीर में कैल्शियम बढ़ेगा, ज़्यादा कैल्शियम बढ़ेगा तो आपकी किडनी खराब हो जाएंगी, जिससे गुर्दे को क्षति होती है, यानी कि गुर्दे को हानि पहुँचती है। गुर्दा मतलब आपकी किडनी, ठीक है दोस्तों, जिससे किडनी को हानि पहुँचती है। एक अध्ययन के मुताबिक विटामिन डी की विषाक्तता से गुर्दे को गंभीर नुकसान पहुँच सकता है। इसके लक्षण बुखार, मतली, उल्टी और पेट में दर्द होना आदि है। यानी कि बुखार तो नॉर्मल है, बुखार से इतनी जल्दी पहचान नहीं होती है, सबसे ज़्यादा पहचान होती है आपको उल्टी से। अगर आपको बार 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 उल्टी हो रही है और पेट में दर्द हो रहा है, यानी कि दो सबसे बड़े लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ, उल्टी का होना और पेट में दर्द का होना, या आपकी किडनी में इफेक्ट का कार मतलब किडनी में कुछ प्रॉब्लम है उसकी वजह से आपको उल्टी और पेट में दर्द सबसे पहले होता है। मतली होना है, बुखार तो बाद में होता है, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको बता रहा हूँ फेफड़ों की क्षति, यानी कि फेफड़ों को लेकर। विटामिन डी का उच्च स्तर खून में कैल्शियम और फास्फोरस और फास्फेट के स्तर को बढ़ा देता है, जो एक साथ मिलकर क्रिस्टल बनाते हैं। ये क्रिस्टल फेफड़ों में जमा होने की अधिक संभावना रखते हैं, जो इसके कार्य को बाधित कर सकते हैं। इससे फेफड़ों को नुकसान हो सकता है। 30 से 70 नैनोग्राम प्रति मिलीमीटर विटामिन डी की ज़रूरत होती है। 20 से नीचे और 70 से ऊपर होने पर मामला गंभीर हो जाता है। विटामिन डी ज़्यादा हो जाने से यह धमनियों में जमा हो जाता है, जिससे हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि हमारे शरीर में विटामिन डी की अधिक मात्रा होने से कैल्शियम ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि कैल्शियम जो है वो, जैसे हमें दूध से कैल्शियम मिलता है, धूप से कैल्शियम मिलता है, तो यानी कि जो विटामिन डी होता है वो हड्डियों को मजबूत करता है। हड्डियों को मजबूत करने के लिए हमें विटामिन डी चाहिए होता है, और विटामिन डी में जो है मतलब विटामिन डी से हमें कैल्शियम मिलता है, क्योंकि कैल्शियम ही हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। तो ये सब सारी चीज़ें हमें धूप से, दूध से और हरी सब्जियों से, अलग अलग चीज़ों से हमें मिलता है। चूने से भी मिलता है, जो चूना पान में लगा के खाते हैं उससे मिलता है। लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह, बिना वैद्य की सलाह, बिना किसी गुरु की सलाह लिए, बिना आप चूने का सेवन मत करना, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको पता चल ही गया होगा, जैसे कि सभी को पता है, ज़्यादा कैल्शियम होने से या ज़्यादा विटामिन्स या ज़्यादा प्रोटीन बॉडी में होने से अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं। कम होने से भी हम बीमार हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, बॉडी में दर्द वगैरह होने लगता है, और तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी और समझ में आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और ऐसी और भी वीडियो पाने के लिए, हेल्थ से जुड़ी, फूड से जुड़ी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को भी दबाना, ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। और अगर आपको हमसे कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट के द्वारा हमसे पूछ सकते हो, अगले 24 घंटे के अंदर अंदर हम आपको उसका रिप्लाई दे देंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।